विजयपुर से खबर, जहां शव यात्रा निकालने के लिए यहां लोगों के पास पक्का रास्ता नहीं है। कीचड़ भरे रास्ते से अर्थी ले जाने को मजबूर है ग्रामीण। गांव में पक्की सड़क नहीं है, शमशान घाट नहीं है, नदी किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है। विजयपुर के सुठारा गांव का मामला है। कच्ची सड़क से होते हुए मिट्टी कीचड़ की ये सड़क भी क्या, ये कच्चा रास्ता है जामुमन दो खेतों के बीच में, आप कह सकते हैं होता है उसी तरह की ये स्थिति दिखाई दे रही है। आज हमारे गांव में मेरी दादी का निधन हुआ है और उनकी अंतिम शव यात्रा निकालने के लिए हमें गांव से 4 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे जा रहे हैं, जिसमें कि ना तो रास्ता है और ना ही गांव में शांति धाम है। तो इसलिए ऐसी बारिश के हालत में भी हम गांव से 4 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे उनकी अंतिम शव यात्रा लेके जा रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार वहीं पे करेंगे। और खबर पर जानकारी के लिए अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से कीचड़ से सनी हुई सड़क से इन्हें शव ले जाना पड़ रहा है। न शमशान घाट है न सड़क, ग्रामीण परेशान हैं, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला बिजपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सुटेरा का मामला है, जहाँ पर शमशान घाट न होने के कारण अर्थी को चंबल किनारे जो के ग्राम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर लोग भरी कीचड़ में लेकर शमशान घाट लेकर वहां पे चंबल नदी किनारे लोग अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे हैं। जो भी ये एक बहुत ही बड़ा मामला है जिसको प्रशासन को इसको और देखना चाहिए। सरपंच वगैरह को इस मामले में पहले बताया गया और मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद बनी भी है कहीं सड़क शमशान घाट। हाँ, सड़क भी है, सड़क भी नहीं है, शमशान घाट भी नहीं है यहाँ पर। कितनी आबादी है इस गांव में अमित? कम से कम 400-500 की आबादी के करीबन ये गांव है। यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी ऐसी शव यात्रा निकाली गई और शव यात्रा में लोग इस वीडियो को भी लगातार ग्रामीणों द्वारा वायरल भी किया जा रहा है शव यात्रा को लेकर ग्रामीण। बिल्कुल, अब देखना होगा जिम्मेदारों के कान तक जूं कब तक रेंगती है, क्योंकि काफी लंबे अरसे से यहाँ सड़क की मांग हो रही है और हर बारिश में हालात यही होते हैं। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए।